जो आर्टिस्ट है आमतौर पर भूखा मरता है, अगर वो थोड़ा क्रिएटिव हो कंस्ट्रक्टिव हो तो चीजें उसको समझ आसानी से आ जाए। लाइक बहुत से लोग हैं जो अपने लिए किताब लिखते हैं, उनकी किताबें फ्री तकसीम होती हैं और कोई नहीं पढ़ता। आज तक मैंने फ्री किताब को किसी को पढ़ते नहीं देखा। जितने लाहौर के खड़े हैं या जहाँ बुक स्टॉल हैं, पुरानी किताबें बिकती हैं, वहाँ बड़े बड़े लोगों के नाम, बड़े बड़े लोगों की किताबें उसके नाम है और वो हमेशा रद्दी में जाती है। वैल्यूबल चीज़ वो होती है जो खरीदी जाए, चाहे वो थॉट हो, चाहे वो वक्त हो, चाहे वो खाना हो, चाहे वो बुक हो। यहाँ आप घूमने आए हो, जिस किताब पे आप अपना पैसा और वक्त सर्व करोगे वो आपके साथ जाएगी। इट वुड बी योर चॉइस। अगर गेट पे खड़े होकर लोग आपको दे रहे हो, और बहुत से लोग ये काम करते हैं, उस किताब की वर्थ जीरो होती है। वर्थ हमेशा आईडी की होती है। वर्थ उस चीज़ की होती है कि आपकी ज़िंदगी में उसकी कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है। लाइक पंजाब यूनिवर्सिटी में अगर 500 PhD टीचर्स हैं, उनकी वर्थ अगर आप निकालेंगे तो जीरो होगी, बिकॉज दे आर नॉट कॉन्ट्रीब्यूटिंग इन द लाइफ ऑफ द पीपल। वो कोर्स पढ़ाते हैं, जिंदगी नहीं पढ़ाते। यूनिवर्सिटी लेवल पे जाके आपको कुछ टीचरों से मोहब्बत हो जाती है, आप जिंदगी में उनको अपना मेंटोर बनाना चाहते हैं, आप उनसे सीखना चाहते हैं। ये कॉलेज में नहीं होता, ये स्कूल में होता है या फिर यूनिवर्सिटी में होता है। वहाँ बिल्कुल इनिशियल स्टेज होती है, आपकी स्लेट पे जो लिखा जाए आपको अच्छा लगता है। लेकिन याद रखिएगा, जैसे बुफे में 100 खाने हों तो हर खाना आपके लिए नहीं होता, इसी तौर पे बुक फेयर में या राइटर्स की हर किताब आपके लिए नहीं होती। जो लोग दूसरों से पूछते हैं कि मैं क्या पढूं, आमतौर पे वो अच्छे रीडर नहीं बन पाते। जब तक आपके अपने मन से ना निकले कि मुझे क्या चाहिए, कुछ को सादा चावल चाहिए, कुछ को बिरयानी चाहिए, कुछ को आप मटन के साथ चाहिए, कुछ को चिकन के साथ चाहिए। सो टेस्ट आपके जो टेस्ट बर्ड्स हैं वो बताते हैं। मुझे बहुत बचपन में, इट वॉज 7th-8th, जब मैंने सबरंग पढ़ना शुरू किया, जो कि मेरे वाले साहब पढ़ते थे, और वो उस वक्त फिरोजन से इतनी किताबें खरीद के लेके जाते थे, इवन जो उसमें क्वेश्चन होता था और वो लाजमन ऑफर करते थे, वो उनकी भी किताबें खरीद लेते थे। और गर्मियों की सारी छुट्टियां मैं, मेरी वालदा, मेरे बहन भाई, हम सब लोग, मैं अपने साइकिल के पिछले स्टैंड पे किताबों का ढेर बांध के ले जाता था। 7th-8th तक मैं इश्फाक साहब को, मुमताज मुफ्ती को, कुदरतुल्ला शाह को, इवन असलम चुगताई को पढ़ चुका था।